पांच सालों से एल्युमिनियम के बर्तन बनाने की फैक्ट्री में कार्य करने वाले एक सुपरवाइजर की मशीन के नीचे दबने से मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि जांच अधिकारी मशीन जब्त करने की बात कह रहे हैं। आरएसएस के नए भवन का उद्घाटन करने पहुंचे संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने अपने संबोधन में नए भवन से जुड़ी बातें कही, लेकिन इस बीच उन्होंने हिंदुओं के जगने की बात निकालते हुए कहा कि सन 1991 में ढांचा गिराया गया वो छोटी घटना थी, लेकिन उससे ये पता चला कि हिंदू जाग रहा है। विदेशी मीडिया ने भी कहा कि हिंदू जाग रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू जागेगा तो ही विश्व जागेगा। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वहीं जल्द ही रोड पता है फैक्ट्री से उनके एसएन एल्युमिनियम 23 राममली में राममली नगर में पिकअप वाहन में एक मशीन आई थी जो एल्युमिनियम के भवनों के ढक्कन बनाती है। वो मशीन थी करीबन 4-5 क्विंटल के बजे। उस पर 3 पहिए की जो घोड़ी आती है और चेन ब्लॉक से पिकअप वाहन से नीचे उतार रहे थे। उतारते समय वो घोड़ी का एक पहिया फिसल गया मशीन गिर के संजय नानेडिया को लग के सीने में नट घुस गया, इसलिए वो घायल हो गया। घायल होते अस्पताल ले गया, उसके बाद फैक्ट्री वाले के ऊपर कार्रवाई हुई। किस तरह अपराध क्रमांक 145 धारा 287-304 का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है वहाँ के कर्मचारियों के बयानों के आधार पर, और अभी प्रकरण में जाँच चल रही है। अभी गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी शेष है अभी। अच्छा, इस फैक्ट्री पर पहले भी इस तरह का कोई घटना नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी पहले तो इतना नहीं हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है। मशीन का क्या हुआ? मशीन जब्त कर ली गई है, मशीन जब्त करी, भारी मशीन है तो वहीं सुपुर्दनामे पे दे दी गई है, क्योंकि उसको थाने लाने भी नहीं सकते, थाने में जगह भी नहीं रहते। आपका परिचय? हरिद्वार में ऐसा ही हरिद्वार थाना बोला।